द फ्रेमवर्क लेसन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कैमरा इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स की वीडियो अपडेट्स के लिए। हे गाइस, मैं हूं अक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसका यूट्यूब ने टारगेट रखा है 4000 घंटे और सब्सक्राइबर में रखा है 1000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए, ये हम सबको पता है। तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है ट्रैवल से रिलेटेड, तो उसमें ये दोनों जो माइलस्टोन है ये पूरे हो चुके हैं, 4000 वॉच टाइम हो चुका है और 1000 जो है वो सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूँगा। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि कैसे मैंने अप्लाई किया। तो गाइस, सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को लॉगिन करना है, उसके बाद इस थंबनेल पर क्लिक करके क्रिएटर स्टूडियो में जाना है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर चैनल पर क्लिक करना है और पहले ऑप्शन स्टेटस एंड फीचर पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपको मोनेटाइजेशन का दिखाएगा। तो उसमें पहले ही शो कर देगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। अगर आपको फिर भी इसके टारगेट से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो लर्न मोर पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हो, और जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें एलिजिबल होने की रिक्वायरमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। उसके बाद बैक जाना है और आपको अनेबल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने मोनेटाइजेशन के 4 स्टेप्स आ जाते हैं और सबसे ऊपर दिखाएगा कि आपका चैनल अभी अनेबल नहीं है, और उसके बाद हम मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के पहले रूल को स्टार्ट करते हैं जिसमें कुछ टर्म्स दिखाता है, तो उनको आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। उसके बाद तीनों पर क्लिक कर देना है और आई एक्सेप्ट पर भी क्लिक कर देना है, इससे हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाएगा और ग्रीन मार्क आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में एडसेंस पर साइन अप करना है, तो अगेन स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आपका कोई एडसेंस अकाउंट ऑलरेडी है तो उसको लिंक करो या फिर नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही लॉगिन पूछ रहा है कि आपको सेम आईडी से करना है या फिर अनदर अकाउंट से करना है। मैंने सेम आईडी पर ही क्लिक किया है। यहाँ पर चैनल नेम और ईमेल आईडी दिखाएगा, यहाँ पर आपको एक वेबसाइट यूआरएल दिखाएगा कि यहाँ पे आपको अपना कोई भी वेबसाइट का अगर आपका यूआरएल है तो वहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद कस्टमाइज हेल्प या सजेशन के लिए यस पर क्लिक करना है, फिर कंट्री सिलेक्ट करनी है कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है इंडिया, आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एडसेंस की टर्म एंड कंडीशन इनको देखना है और उसको यस करना है और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एडसेंस पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है और फिर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके आपको अपनी इन्फॉर्मेशन, नेम और एड्रेस फिल करना है, और ध्यान रहे कि जो आप इसमें एड्रेस फिल कर रहे हो वो आपका वैलिड आईडी पर एड्रेस होना चाहिए, वही आप यहाँ पे करो क्योंकि बाद में फिर पिन वगैरह आने में प्रॉब्लम रहती है, तो एड्रेस आपको बिल्कुल वैलिड आईडी वाला ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करते ही आप वापस यूट्यूब पर आ जाते हो और सेकेंड स्टेप भी आपका यहाँ पर ग्रीन हो जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप है सेट मोनेटाइजेशन प्रेफरेंसेज, इसमें भी हमें स्टार्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद हमें दिखाएगा कि चैनल पर ऐड कैसे आनी है, मतलब कैसे आप चाहते हो कि चैनल पर ऐड आए। उसमें ये अलग अलग तरह के तरीके हैं, कुछ एस्कीप ऐड है, कुछ और अलग तरह के हैं, आप अगर इनमें से कोई पर्टिकुलर नहीं चाहते तो वो आप कर सकते हो, नहीं तो आप सबको सिलेक्ट करो जैसे कि मैंने यहाँ पर सबको सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। हमारी तरफ से 3 स्टेप्स ग्रीन हो चुके हैं और फोर्थ स्टेप है वॉच टाइम आपका 4000 आवर्स होना चाहिए और सब्सक्राइबर आपके 1000 होने चाहिए लास्ट 12 मंथ्स में, और वो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन है। तो अब हमारी तरफ से काम डन है, अब YouTube का ही काम बचता है। YouTube इसको रिव्यू करेगा और मुझे मेल के थ्रू जवाब मिलेगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सकता है कि नहीं, अगर नहीं हो सकता तो किस वजह से नहीं हो सकता, वो उस रीज़न भी वहाँ पे होगा। अभी अगर हम स्टेटस एंड फीचर पर दोबारा क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखाएगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड एंड इन रिव्यू बट नॉट अनेबल्ड, यहाँ पे अनेबल नहीं है, जैसे ही अनेबल होगा तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा मैंने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया था और उसके लिए वो उसके बाद रिव्यू में जाता है जिसमें विद इन अ वीक आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा अगर आप कॉपीराइट कंटेंट यूज़ नहीं करते किसी का, आपका अपना अगर कंटेंट रहता है बिल्कुल जेन्युइन तो आपका विद इन अ वीक आपका मोनेटाइज हो जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो थोड़ा पेंडिंग में चला जाता है, तो विद इन अ मंथ आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, उसमें 3-4 दिन के अंदर मुझे एक मेल आई थी, वो आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप की मेल आपके पास आती है और ये पूरा प्रोसीजर रहता है आपके चैनल मोनेटाइजेशन के लिए। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपके कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं इस चैनल पर इस टाइप की वीडियो लेके आता रहता हूँ।